ताकि अनुशासन बना रहे। भीड़ देख सकते हैं धन्यवाद के अंदर जो बहुत भीड़ है, बहुत दूर से लोग यहाँ आए हैं, कम से कम लोगों से किलोमीटर से लोग आए हैं, कुछ लोगों की राय लेना चाहते हैं जो राय जो पंडाल के अंदर है लोग हमसे चुनावी सभा के हमारे दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का और आदरणीय बहन जी का हम तहे दिल से स्वागत अभिनंदन वर्णन करते हुए इस चुनाव क्षेत्र के प्रभारी बड़े भाई लाला राम मेहरवान जी अभी आपके बीच में मार्च के पहले हमीरपुर के प्रभारी और मंडल कोऑर्डिनेटर आदरणीय जी सी दिक्कत साहब, हमारे जालौन जिला के अध्यक्ष जी हमीर और महोबा के जिला अध्यक्ष जी, हमारे माननीय सर क्या नाम है आप एम एल सी रमाय रंजन जी, समस्त हमारे आदरणीय विधायक जी, आज सभी जिला पंचायत सदस्य, सभी सम्मानित नेता पत्रकार बंधुओं और हमीरपुर महोबा देवारी और जालौन रोगनी को दरभंगा की जनता का और पत्रकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन वंदन और स्वागत करते हैं। गठबंधन है आज समाजवादी पार्टी समाज पार्टी और आरएलडी का गठबंधन है, यहाँ पर कितनी सीटें जीतना गठबंधन ये हमारे आप कौन होगा इस बार सिर्फ बुंदेलखंड के नाते एक ही बात करनी है कि हम सारी चीजों से परेशान थे, सिंचाई और शिक्षा जैसी तमाम चीजों से परेशान होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम अच्छे दिन लाएंगे, लेकिन अच्छे दिन तो नहीं आए, लेकिन हमारे किसान की रात की नींद खराब हो गई, वो भी अन्ना पशुओं के कारण। हमारे किसान की जो फसल बर्बाद हुई उसका मुआवजा कौन भरेगा? जैसा हमारे विधायक जी ने कहा कि चौकीदार आपके विधायक बने, आपके सांसद बने, तो हम कहते हैं कि आपके विधायक सांसद बुंदेलखंड में पूरी सीटें आपकी थी, उन्होंने अगर 5 साल किसान के खेतों की रखवाली की होती या अन्ना पशु का कोई इंतजाम किया होता तो आज हमारा किसान बुंदेलखंड का किसान भुखमरी की कगार पे नहीं आता। इसीलिए मेरी प्रार्थना और विनती है दोनों लोकसभा की जनता से कि आने वाली 29 तारीख को हाथी के सामने वाला बटन दबाकर भाई पंकज जी को और भाई दिलीप सिंह जी को भारी मतों से विजयी बनाने की कृपा करें। एवं झांसी से साइकिल चुनाव चिन्ह आदरणीय एमएलसी साहब हमारे श्याम सुंदर जी का, ये महिलाएं जो है कृपया उनके ब्लॉक में शिफ्ट कराएं। चंद मिनटों में ही हमारे बीच में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री आदरणीय आप हमारी मेहरमाए होती जी और बहुजन समाज पार्टी की इस चुनावी जन संयुक्त चुनावी जनसभा के दूसरे हमारे मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी बहुत जल्द ही आपके बीच में पढ़ा रहे हैं। कृपया ध्यान रखें, रीलिंग ऑर्डर देखने के चक्कर में अपना सफरी में आप बचाए। हमारे नवीन आनंद साहब ने अभी अपील की है कि दोनों उम्मीदवारों को हाथी के चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा करके भारी बहुमत से विजयी कराने का काम कर रहे हैं और यहाँ पर कांग्रेस से भी काफी लोग आ रहे हैं। माननीय श्री दया शंकर वर्मा जी समाजवादी पार्टी जो हमारे माननीय कार्यकर्ता सभी लोग आ रहे हैं, हिंदी और अंग्रेजी जी को देखने आपसे अपील है कि आप आए और कृपया सभा को संबोधित करने का कार्य करें। सभा गठबंधन जो आरएलडी का हुआ है आप लोग कितनी सीटें लेने जा रहे हैं? लगभग पूरी से पूरी पूरी 70 सीटें हैं। मैं ऐसे ही दिखा दूँ सपा बसपा का हुआ है और जो बीजेपी सरकार की नीतियाँ बहुत गलत रही हैं, इसमें उन्होंने SC ST खत्म करने के लिए इस वजह से गठबंधन हुआ है। गठबंधन का ही प्रधानमंत्री बनेगा
आगे और किस किस नीतियों पर आप लोग जो सरकार है इस समय जो देश में मोदी सरकार है आप लोग किन नीतियों पर लोगों के बीच में जा रहे हैं आप लोग किन नीतियों पर वोट मांग रहे हैं नीतियाँ जो भारतीय जनता पार्टी ने जो नीतियाँ दिखाई थी उस बार पे तो उतरे जो हमारी नीतियाँ हमारी पार्टी ने पिछले कार्यकाल किया है उस नीतियों से वोट मांगने जा रहे हैं। गठबंधन के साथ है ये गठबंधन महागठबंधन नहीं बनाएंगे ये गठबंधन राष्ट्रीय लोकदल यहाँ कितनी देर जो मुख्य लोग हैं बहन जी हैं और नरेंद्र यादव जी से अपील है कृपया और चुनावी जनसभा को संबोधित करने का राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय सचिव बहन जी को पीएम बनाने कैसे भी करके बनाए चाहे कुछ भी करना पड़े कहाँ से आए हैं आप कौन सा क्षेत्र गठबंधन हुआ कितने मतों से जीत रहा है एक लाख से जनता पार्टी के लोगों ने हमसे 2014 में देख सकते हैं लोगों की मिली झूठ बोला था उन्होंने बोला था कि किसान की जो आय है करेंगे हम उन्होंने बोला था कि रोजगार कांग्रेस के 70 साल के शासनकाल में जो बेरोजगारी हुई है हम 2 करोड़ प्रतिभा रोजगार देंगे युवाओं को रोजगार देने का हमने वाले बच्चे